वंदे मातरम साथियों, मैं अतुल दुबे स्वदेशी भारत अभियान से। आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बेरोजगारी के ऊपर हम कार्य करने वाले हैं, यानी जो भी हमने बातें कही हैं आपसे या आप तक पहुंचाया है कि हमें ऐसे ऐसे करना है, तो जो बेरोजगारी विषय है उसके ऊपर किस तरीके से कार्य करना है उसकी शुरुआत हम आज इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। जौनपुर जिला जो हमारा गृह जनपद है उत्तर प्रदेश का, हम वहाँ पर ये कार्य करेंगे। इसलिए जौनपुर के साथियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो आप हमारे साथ जुड़िए और लोगों तक भी पहुँचाइए, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो कृपया अपना सवाल कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा हम महायज्ञ कह सकते हैं और हम उस महायज्ञ को करने के लिए उतरे हैं पूरे संकल्प के साथ, और ये तभी हम सफल होंगे इस महायज्ञ में जब सभी साथियों का इसमें साथ मिलेगा। तो हम करने वाले क्या हैं उस पर हम बात करेंगे। हम सबसे पहले एक ट्रस्ट बनाएंगे, एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट होगा जिसका काम है सिर्फ बेरोजगारों को धन उपलब्ध कराना। तो ये धन आएगा कहाँ से? हम क्या करेंगे, इस ट्रस्ट के 1000 सदस्य बनाने का, कम से कम 1000, ज़्यादा ज़्यादा जितने हो जाए, बनाने का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जौनपुर ज़िले के, जौनपुर के बाहर हम किसी को सदस्य नहीं बनाने वाले हैं। सिर्फ जौनपुर निवासी जो जौनपुर में रहते हैं, जौनपुर के बाहर मुंबई या दिल्ली या कहीं भी रहते हैं, उनको हम सदस्य बनाएंगे। हर सदस्य से सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये हम लेंगे, माफ़ी चाहूँगा, 1000 नहीं, सिर्फ 100 रुपये हम लेंगे। यानी एक सदस्य 100 रुपये देगा महीने का, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर सदस्य इस संस्था में, इस महायज्ञ में बराबर का भागीदार हो, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, और 100 रुपये सबके लिए संभव है जो भी एक व्यक्ति रोजगार पे है। तो महीने का अगर हम मान लेते कि हमारे पास 1000 सदस्य हैं, तो महीने का हमारे पास 100 के हिसाब से 1 लाख रुपये आएगा, 12 महीने का 12 लाख रुपये, और अगर हम किसी बैंक में जमा करेंगे उसका एक ब्याज आएगा जो कि 12 लाख से ज़्यादा ही हमारे पास पूरी पूंजी हो जाएगी। तो इसको हम किस तरीके से रोज़गार पे खर्च करें हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम समझें कि रोज़गार हम देंगे कैसे, किस माध्यम से देंगे। जो सबसे बड़ा माध्यम रोज़गार का है वो है उत्पादन या मार्केटिंग। उत्पादन किस चीज़ का? जो हम सामान सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार है। तो सबसे ज़्यादा सामान हम कौन सा उपयोग करते हैं? शून्य तकनीक, यानी साबुन तेल, शैम्पू, क्रीम पाउडर, घर में, यानी घर में उपयोग होने वाली ज़्यादातर सामान, 80% से ज़्यादा वस्तुएं शून्य तकनीक की होती हैं, यानी कि उसको बनाने के लिए बहुत बड़े टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। एक साधारण प्रशिक्षण हमें मिल जाए, लागत मिल जाए, हम आराम से बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। तो हम इसी के माध्यम से बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, हम इसी का उत्पादन करवाएंगे। तो हम करेंगे क्या पैसे का? तो सबसे पहले हम एक स्वदेशी बाज़ार, यानी एक दुकान, एक किराने का दुकान हम अगर आम भाषा में कहें खोलेंगे, जो होलसेल काउंटर होगा, यानी कि थोक विक्रेता होगा। तो होगा क्या कि उस दुकान पे हम सिर्फ और सिर्फ छोटे उद्योग के और स्वदेशी उद्योग के सामान रखेंगे। सबसे पहले जो हमारे ज़िले में सामान बनता है हम सबसे पहले उसको रखेंगे। इसके बाद जो हमारे ज़िले में सामान नहीं बनता और हमें वो सामान चाहिए, उदाहरण के लिए समझिए कि हमारे पास साबुन हमें उपयोग करते हैं और साबुन हमारे ज़िले में नहीं बनता, तो हम दिल्ली, कानपुर या दूसरे ज़िले से उसको मंगवाएंगे, और जो जो सामान हम दूसरे ज़िले से मंगवाएंगे उसको हम अपने ज़िले के बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर रोज़गार देंगे। एकदम सीधा और सरल है कि जो भी सामान हम उपयोग करते हैं उसको हम अपने ज़िले में बनवाएंगे, अपने आसपास बनवाएंगे। और अगर आप एक कैलकुलेशन कीजिए कि हम जो भी सामान ये उपयोग कर रहे हैं अगर उसको हम छोटे उद्योग से बनवाएंगे, तो एक व्यक्ति को अगर हर महीने 8-10 हज़ार रुपये का पगार मिल, मतलब 8-10 हज़ार रुपये बचेगा, तो कितने लोगों को बच सकता है? किसी वीडियो पे हम इस पर विस्तार से बताएंगे, लेकिन बहुत लोगों को रोज़गार हम दे सकते हैं। तो होगा क्या कि जब एक तो हम वो सामान बनवाएंगे अपने ज़िले में, लेकिन जब बनवाएंगे तो लोगों को धन की कमी पड़ेगी, तो हमारी जो संस्था है जहाँ हमारे पास पैसे हैं हम क्या करेंगे, जो उत्पादन करने वाला व्यक्ति होगा उसको देंगे, और वो कमाई अपना करके हमें वापस देगा। जब तक हमारा पैसा वापस नहीं देगा वो हमारी देखरेख में रहेगा, यानी हमारी संस्था की देखरेख में रहेगा।
हम दो ही जगह पे इस संस्था के पैसे का उपयोग करेंगे, वो है एक तो जो बेरोजगार उत्पादन कर रहा है उसको देंगे, और दूसरा जो स्वदेशी केंद्र खोलना चाहता है यानी जो नज़दीक के बाज़ार में छोटी बड़ी दुकानें खोलना चाहता है उसको हम पैसा देंगे। शर्त इतना रहेगा कि वो जो सामान दुकान खोलने वाला उसके दुकान पे जो सामान जाएगा वो हमारे थोक विक्रेता दुकान से जाएगा या वो छोटे उद्योग के अपने आसपास के लोगों का रखेगा। जब तक कि हमारा वो पैसा नहीं दे देता, जब हमारा वो पैसा वापस कर देगा तो वो आज़ाद हो जाएगा, वो अपने हिसाब से वो उसको संचालित कर सकता है। और जिसको भी हम पैसा देंगे वो सब हम लेंगे बिना ब्याज के। और धीरे धीरे करके पहले हम एक केंद्र खोलेंगे और धीरे धीरे करके छह तहसील है, छह तहसील पे हम केंद्र खोलेंगे। इन छहों तहसील को जो सप्लाई का काम करेगा यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण का काम करेगा उसके लिए एक हमारा ही सेंटर होगा जो कि संस्था के अंदर में होगा। यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर और ये छह काउंटर संस्था के आय के स्रोत होंगे, यानी इसका जो मुनाफा होगा किसी व्यक्ति का नहीं होगा, ये संस्था का होगा। हाँ, जो यहाँ पे रोजगार पे है, जो नौकरी पे है, उसको पगार देने का काम ये संस्था करेगी। तो कुल मिला के इस तरीके से हमारी योजना है। इस पे बहुत सारे आपके सवाल होंगे तो कृपया आप सवाल ज़रूर पूछिएगा। अब आता है कि जो हम पैसा ले रहे हैं 100 रुपये महीने का, कब तक लेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ 10 साल 12 साल तक ही हम लेंगे, यानी 2030 तक। 2030 के बाद हम पैसा लेना यानी चंदा लेना बंद कर देंगे, और जो भी साथी चंदा देना चाहेंगे वो अपने गांव के में या क्षेत्र में या किसी दूसरे जगह पे चंदा दें, लेकिन ये संस्था को नहीं देंगे। ये संस्था का आय का स्रोत तो दुकान होगा, उसी से वो चलेगा। तो 10 साल यानी 2030 के बाद से हम लोग जिससे जितना पैसा हमने लिया है हम सबको वापस करेंगे। ब्याज तो नहीं देंगे लेकिन हम सबको वापस करेंगे। घर का जो सबसे बुजुर्ग होगा उसको हम ले जाके वो पैसा देंगे और एक सम्मान पत्र देंगे जिससे वो उसको गर्व महसूस हो कि उसके घर का कोई इस महायज्ञ में थोड़ा अपना भी योगदान दिया है। और इस तरीके से हम बेरोजगारी पे कार्य करेंगे। कहना बहुत आसान है, हमने आपको 8-10 मिनट के वीडियो में तो सारी बातें कह दी। करना मुश्किल है और असंभव नहीं है, थोड़ा कठिन है, और कर सकते हैं और हम करेंगे। कल 15 अक्टूबर 2017 कल से हम जौनपुर ज़िले के लोगों से मिलना शुरू करेंगे, व्यक्तिगत मिलेंगे, 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 लोगों की बैठक करेंगे। मुंबई में हूँ मैं इस वक्त, मुंबई के लोगों से सबसे पहले मिलेंगे। जब जब हम दूसरे ज़िले में जाएंगे वहाँ पे जो जौनपुर के निवासी हैं उनसे मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जौनपुर वासियों तक पहुँचाएं, जिससे लोग हमारे साथ जुड़े और इस पुण्य कार्य में अपना योगदान दें। और दूसरे ज़िलों के साथियों से निवेदन है कि आप इसको समझिए और एक माहौल बनाइए अपने ज़िले में कुछ इस तरीके से कार्य हो। कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें आराम से चलना है, क्योंकि हम जल्दबाजी करेंगे तो सफलता में थोड़ी तकलीफ आ जाती है। हम आराम से चलेंगे लेकिन तेज़ी से चलेंगे, आराम से चलेंगे तेज़ी से चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो इसी के साथ हम आप सबसे निवेदन करते हैं, कृपया जो भी शंका है, जो भी आपके सवाल हैं वो ज़रूर पूछिए। क्योंकि होता क्या है कि आप हमसे न पूछकर लोगों से चर्चाएँ करते हैं, लोग उल्टा सीधा इसका जवाब आपको दे देंगे या आप वो गलत जो नकारात्मक विचार है, नकारात्मक सोच आपको दे देंगे और फिर वो नकारात्मक सोच आप किसी और को देंगे, और इस तरीके से एक पुण्य कार्य में पूरा नकारात्मक माहौल बन जाएगा, जो कि है नहीं ऐसा, और हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे निवेदन करेंगे कि जौनपुर के साथियों से निवेदन करेंगे कि आप इस ट्रस्ट का सदस्य बनिए, और हम जो 2018 जनवरी से हम फंड का जो है यानी जो राशि है वो हम इकट्ठा करना शुरू करेंगे। और भी विस्तार से हम इस पर बात करेंगे, ये तो हमने एक आपको मोटा मोटा बात कही है, और जगह जगह मीटिंग करेंगे और भी जो आपके सवाल हैं उस पर हम देंगे, और हो सकता है कि और विस्तार में एक वीडियो बना पाएँ जो ये संस्था होगी, क्या होगा, कैसा होगा, रूपरेखा क्या होगा, इसका ढांचा कैसी होगी, कैसे होंगे इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष या जो भी इसके सदस्य होंगे वो कैसे होंगे, तो तमाम चीज़ों पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हमने आपके मोटा मोटा एक संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम रोज़गार दे सकते हैं, और हम देंगे। इसी के साथ हम आप सभी को धन्यवाद कहते हैं।